पीडब्ल्यूडी ठेकेदार का हत्या, सहारनपुर पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। 3.5 लाख के बदले 1 करोड़ रुपए के लालच में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार कर गई जान। आरोपियों के बयान से ये बात साफ हो गया है कि मृतक से लिए 3.5 लाख रुपए के हड़पने के लिए हत्या की साजिश रचा था। आपको बता दें कि बीते 3 दिसंबर को सहारनपुर थाना के फतेहपुर क्षेत्र के गंडेवर रोड पर स्थित एक ढाबा के सामने कार में सब मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी थाना फतेहपुर पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक की पहचान पीडब्ल्यूडी ठेकेदार सुभाष निवासी ग्राम महेश्वरी भगवानपुर उत्तराखंड के रूप में हुई है। एसएसपी सहारनपुर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 टीमों का गठन किया, जिन्होंने घटना के मात्र 48 घंटे के भीतर ही इसका खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नशीले दवाइयां, चाकू और कई अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने इनके पास से और भी 2 बैग बरामद किया है, जिसमें सुभाष पैसे रखने के लिए लेकर आया था। फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये 3 तारीख को सुबह छुटमलपुर में एक एक्सयूवी गाड़ी मिली थी उत्तराखंड के रजिस्ट्रेशन की, जिसमें एक सुभाष चौधरी नाम के व्यक्ति का शव मिला था। उनके गले में धारदार हत्या से वार किया गया था, वो वहीं मौके पर मृत पाए गए थे और उनकी गाड़ी भी ऑन किए हुए थे। तो हम इसी सूचना पे SO फतेहपुर मौके पर पहुंचा, फिर ये सूचना सभी जैसे अधिकारियों को मिले, हम सब लोग मौके पर पहुँचे और वो सुभाष चौधरी की परिवार वालों से भी बात हुई। तो वो घर से 2 तारीख को सुबह 9 बजे निकल गए थे और उसके बाद वो सहारनपुर में एक अरशद नाम के व्यक्ति के घर आए हैं। घर में अरशद, उनके पत्नी और उनके 2 बालिक बच्चियां थे। वहां पे सुभाष चौधरी को चाय पे नशे की गोलियां दी गई है। चाय पीने के बाद वो बेहोश हो गए थे, फिर उनके घर के अपने छत पे उनको छुपा के रखे थे। फिर गाड़ी को, एक्सयूवी गाड़ी को पहले ही ले जाके किसी ड्राइवर के माध्यम से छुटमलपुर में जहाँ पे पहले मिली थी वहीं पे छोड़ के वापस घर आए थे। सहारनपुर से अबरार अहमद की रिपोर्ट।